भाई क्या हो गया? सुबह सुबह पेड़े लग रहा है, आगरे का पेठा बनाने की तैयारी चल रही है घर पे। तुम लोगों का मन कर रहा है ना कि आगरे का पेठा खाऊं। यार मम्मी, यहाँ पेठा बहुत महंगा दे रहे हैं। मम्मी इतने में तो आप आगरे का पेठा खरीद लोगे जितने में यहाँ पे पेठा दे रहे हैं। हाँ, 50-40 रुपए किलो दे रहे हैं मम्मी। महंगा हाँ, गांव में हम लोग ऐसे ही बांट देते हैं फ्री में। दिल्ली में लाके सेल करोगे, करोड़पति हो जाओगे मम्मी कुछ सालों में। हाँ, दो चार फ्लैट खरीद लूंगा। दो चार फ्लैट खरीद लोगे मम्मी। सही बोल रहा है। तो ललित भाई आज क्या बनाने वाले हैं? ये कुछ पेठे का जूस। पेठे का जूस? ऐसा क्यों ललित भाई, पेठे ऐसे ही का जूस क्यों बनाओगे? जैसे फ्रूट आम का गन्ने का पिलाओ जूस यार। पीते हैं वैसे ही पेठे का जूस होता है। डिटॉक्स वाटर बना रहा है। इससे क्या होगा मम्मी? पेट अंदर जाएगा। खाया है ना बहुत सारा, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, उसको पेट अंदर करने के लिए ये रामबाण उपाय है। मैं तो सुना नहीं हूँ, मेरा पेट अंदर होता है इससे। होता है, मेरा देख कैसे अंदर हो गया है, पापा का देख कैसे अंदर हो गया है। गाँव में बहुत पेठा का जूस पिए हैं, और थोड़ा छिलका छिलो तब ना। इसका फ्लेवर नहीं होता, इसका दौरी भी बनता है दोस्तों। इसमें कुछ नहीं होता है, इसका दौरी बनता है। इसका जो बीज है, हाँ, इसका जो बीज है ना, इसको स्नैक्स बनता है। इतना मस्त, ये सबसे महंगा स्नैक्स बिकता है। ये मगज की तरह ना मम्मी? हाँ, मगज ही है ये। तो ये गाय खा जाएगी छिलका, इसको इंसान खा जाएंगे, जूस बच्चे पी जाएंगे। बीज में खेत में लगा दूंगी, बीज तो खेत में लग ही जाएगा। इसका जो फाइबर निकलेगा उसका, और दौरी भी बन जाएगा, पराठे बन जाएंगे, पूड़ी बन जाएंगे। अब आप लोग डिसीजन लीजिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का रीता जी के किचन में। तो आज हमारे किचन में एक और स्पेशल रेसिपी लेके मौजूद हूँ दोस्तों। सुबह सुबह, तो सुबह सुबह 8 बजे भोर में देखिए इधर क्या हो रहा है। पेठा काटा जा रहा है हाथ पैर खोल के। जितना बड़ा पैर किया है उतना बड़ा पेठा था काटने में। देख रहे हैं, इसका खटिया खड़ा हो गया है। तो ये पेठा रात को पता नहीं कहाँ से खरीद के लाए हैं बच्चे। मार्केट से लाए, कहाँ से गया? मंडी से। अब पता नहीं, इतना महंगा मिला है, बोल रहे हैं कि मम्मी गांव में इतना पेठा अपना है। लेकिन इस साल हमारे गांव में भी पेठा नहीं हुआ था, 4 ही 5 हुआ था, जो कि ये लोग पी गए थे। और 2 बचा के रखे हैं ना जी। एक है और एक का तो मैं आगरे का पेठा भी बनाई हूँ। आप लोग बहुत पसंद किए हो रेसिपी को, तो दिल से थैंक यू। और आज देखिए ये बन रहा है डिटॉक्स वाटर। बहुत से बहने हैं, बहुत से दोस्त है हमारे, पूछते रहते हैं कि आप अनिता जी कैसी पतली हुई। तो बहुत सारा रीजन है दोस्तों, एक ही चीज से नहीं पतले हुए हैं। खान पान सुधारना, सोना उठना सुधारना, सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। तो मतलब कई तरह का वाटर बनता है डिटॉक्स वाटर, जैसे लौकी का हो गया, या पेठा के हो गया, कुमड़ा का हो गया, या चुकंदर का हो गया। अभी तो चुकंदर खेतों में सड़ रहा है, चलो खिलाती हूँ सब। तो ये लोग थे नहीं, 2 महीना से नहीं थे मेरे पास, क्या करें। देख रहे हैं, अब इसका बनेगा जूस। इसके अंदर से एक फाइबर निकलता है। अभी इसका पेठा भी बना सकते हैं आप आगरे का, तब मस्त बनेगा, जबरदस्त की पूछिए मत। रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोड है। फिलहाल तो इसका जूस बनाएंगे बच्चे हमारे, उसको फुल रेसिपी देखिएगा। एक ही रेसिपी में आपको 3 रेसिपी मिलने वाला है, तो पूरा वीडियो बने रहे। और काम का लगे वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा, नहीं लगे तो भी कर दीजिए, क्योंकि आप हमारे दोस्त हो। तो कटा हुआ पेठे को मिक्सी जार में पीस लिए हैं, अब इसे कपड़ा में डाल देंगे और छान देंगे। इसमें ना 80% करीब करीब पानी होता है, 90%। जैसे कि घिया में निकलता है, बंद गोभी में निकलता है, उसी तरह इसमें ही बहुत पानी निकलता है। तो पहले ही हम लोग निकाल दिए हैं, अब थोड़ा बहुत जो बचा है ना, उसको भी निकाल लेते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों इसमें कितना कम फाइबर निकला है, जूस बहुत ज्यादा निकल गया है। तो इसका ना, इस फाइबर के अदौरी बन जाएगा, पराठे बन जाएगा। इतनी से तो निकला है, 4 पराठे बनेंगे, मेरे बच्चों का होगा भी नहीं। कोई नहीं, मेरा हो जाएगा मम्मी। देख रहे हैं दोस्तों कितना अच्छा निकला है, ये दिखाइए। मतलब 2 किलो लगभग पेठे का है। हाँ, 1.5-2 किलो का। हाँ, ये इतना सा लड्डू। हाँ, इतना सा लड्डू निकला है दोस्तों। इसको आप जैसे उड़द का दाल भिगो के पीस के, और अदौरी कैसे बनाते हैं हमारे चैनल पर अपलोड भी है, उसको देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और इसमें 1/2 किलो दाल में डाल के बना सकते हैं ना जी, मस्त बनता है। बना दो क्या, हम भी है दाल हमारे पास, है ना। और नहीं तो इसका पराठे आप बनाइए आटा में गूंद के, इतना जल्दी पचेगा जैसे लगेगा पेट खाली हो गया छह मंथ तक।
जो भी बनेगा आप लोग देखिएगा दोस्तों, और पेठा का जूस बनाना कितना अच्छा है। मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अभी हम लोग दोनों जन पीने वाले हैं और टेस्ट आपको बताने वाले हैं। शर्मिंग इस पेठा को इच गार्ड को पी जाएंगे अभी हम। इच गार्ड? हाँ, इच गार्ड दवाई होती है मम्मी। दाद खाद खुजली कुछ नहीं होगा, भाग रहते हैं। आई विल पी ये पहले ही पी करवा दे टेस्ट करवा दे। पी जरूर नहीं, एक बार और पी के बताइए। एकदम मीठा है टेस्ट, कोई भी हाँ। दूसरा तरह का फ्लेवर नहीं है। जैसे घिया का बनाते हैं ना, घिया की तरह है एकदम। ऐसा लग रहा है नींबू पानी लेमनेड पी रहे हैं ना। इसमें कुछ हाँ, अगर इसमें नींबू पानी डालेंगे तो नींबू का फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा। नींबू डाल देंगे तो हाँ, अगर ऐसी प्रेजेंट बढ़िया लग रहा है नारियल पानी की तरह। इसमें और एक पानी मिला है ललित, नारियल पानी। अच्छा, नारियल का वो उस वजह से होता है ना, किसी बच्चे को टेस्ट बढ़िया नहीं लग रहा, थोड़ा सा नारियल पानी डाल दीजिए इसमें, नींबू हल्का डाल दीजिए, नारियल पानी नहीं है। तो इसमें एक गिलास नारियल का जूस मिलाया गया है दोस्तों। ये अपने चॉइस अनुसार आप जैसे अनार का जूस भी मिक्स कर सकते हैं, एप्पल का जूस भी मतलब मिक्स कर सकते हैं, चुकंदर मिक्स कर सकते हैं, अपना फ्लेवर अपने हिसाब से। जूस आपका है तो चॉइस आपका ही चलेगा। तो कैसा लगा हमारा विद फैमिली ये जूस पीने का तरीका? कहने वाली फैमिली सब पी लिए हैं। कौन कौन बाकी है? आप लकी हो, तीन आदमी हम लोग बाकी हैं। इसमें कितना गिलास डाले हो नारियल? नारियल दो नारियल डाले हैं और बाकी वो आधा पेठा। अंजलि का रख देती हूँ। अब इसको पीने के बाद ना 2 घंटे बाद ही खाना खाना, अच्छा कुछ भी खाना है तो 2 घंटे बाद। तो लंच हो जाएगा तब का। लंच में क्या बनाऊं? कुछ भी खाना तो दोस्तों 2 घंटे के बाद खाना खाने को बोल रहे हैं। मैं तो मतलब ये पेठा का जूस बहुत कम पीती हूँ, बच्चे पीते रहते हैं। मैं चुकंदर का बनाकर पी लेती हूँ, चाहे पालक का बनाकर पी लेती हूँ, या नारियल पानी पी लेती हूँ सुबह सुबह। और आप लोग बताइएगा कि आप क्या पीते हैं सुबह सुबह, कमेंट में बताइएगा। जो भी बनेगा खाना आप लोग देख लीजिएगा, रेसिपी तो आने ही वाली है बहुत सारे चैनल पे। मैं भी दूंगी, फुल फैमिली देंगे रेसिपी। मिलती हूँ एक ऐसी ही हेल्दी रेसिपी के साथ, जब तक एंजॉय किए होंगे ये पेठा का जूस और बहुत कुछ। क्या बोलते हैं इसको? एज गार्ड के साथ। एज गार्ड को क्या बोलते हैं ये भी बताइएगा। एज गार्ड हम पेठा बोलते हैं।